नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है यूपी से। यूपी में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो चुका है। सोमवार को लखनऊ में लगातार तीसरे दिन भी भारी बारिश हुई है। दोपहर में अचानक से अंधेरा छा गया है। कई निचले इलाकों में एक एक फुट तक पानी भर गया है। मौसम विभाग ने सोमवार को 43 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसमें मध्य प्रदेश से सटे महोबा, झांसी, ललितपुर समेत इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। इधर यूपी में भारी बारिश के बीच अब कोहरे की शुरुआत हो गई है। मथुरा और गाजियाबाद में सुबह घना कोहरा छाया रहता है। विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रही। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को अधिकतम तापमान 35 व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने यूपी के झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, संत रविदास नगर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सांजापुर, बरेली, रामपुर, बदायूं, मुरादाबाद, अमरोहा, संबल, बिजनौर, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर के आसपास के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया है कि निम्न दबाव का क्षेत्रफल बनने के कारण मानसून की सक्रियता बढ़ चुकी है। आगामी 5 दिन तक उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होगी। बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। पता देखिए, पूरे मानसून की बारिश 5 दिन के भीतर यूपी के अंदर हो सकती है। इतनी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और कुछ जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। अभी भी मौसम पूरी तरीके से खराब है, झमाझम बारिश हो रही है। दूसरी ओर गंगा नदी भी उफान पर आ गई है और अब 5 दिन तक लगातार भारी बारिश होगी, इसलिए गंगा के आसपास के दोस्तों गांवों में हाई अलर्ट जारी किया है। बता दें कि बंगाल की खाड़ी के अंदर भी एक नया चक्रवाती सिस्टम बन रहा है, जिसका असर भी यूपी के अलग अलग जिलों में देखा जा सकता है। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मौसम विभाग को लेकर। इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। मौसम विभाग ने 5 दिन के लिए अलर्ट जारी किया है। यूपी के अलावा इस समय बुरा हाल राजस्थान का है। राजस्थान के अंदर भी भयंकर बाढ़ बर्बादी देखी जा रही है। बिहार के अंदर भी बाढ़ बर्बादी दोस्तों शुरू हो चुकी है। राजधानी दिल्ली के अंदर भी झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात के अंदर भी बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। आप सभी से विनती है कि रात के समय सावधान रहें, भारी बारिश के चलते बाहर ना निकलें। वर्तमान में आपके क्षेत्र का मौसम कैसा है कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।